सो वेलकम बैक गाइस, ओम नमः शिवाय। तो अब हम आ चुके हैं महादेव की दूसरी नगरी बाबा बैनाथ धाम में। यहाँ से बाबा बैनाथ धाम 7 किलोमीटर दूर है। तो हम उतरे हैं जसीडी रेलवे स्टेशन। तो अब हम यहाँ से लेंगे शेयरिंग ऑटो और जाएंगे अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे। चलते हैं, ऑटो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप कहीं से भी जसीडी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन देख सकते हैं। और मैं बनारस से निकल के 8 घंटे का सफर करके आ गया हूँ जसीडी। हम हो चुके हैं रावण के समय। रावण तो भाई काशी विश्वनाथ के दर्शन तो ऑलमोस्ट लोग सब कर ही लेते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं, हर कोई नहीं आ पाता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के दर्शन करो बाबा बैनाथ धाम के, जो शायद तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। और मैं तुम्हें अपने तरीके से दिखाऊंगा, जो भी मैं देखूंगा वो सब तुम्हें दिखाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है, पूरा ब्लॉग जरूर देखना। एक दिन का टाइम है अपने पास, एक दिन से यार हम यहाँ रुकेंगे नहीं। पहले सबसे पहले रूम ढूंढते हैं, रूम ढूंढ के वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, नहा धो के फिर हम सीधे निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करके वहाँ से फ्री होके हम सीधा निकलेंगे उज्जैन के लिए। तो मैंने तुम्हें प्लान बता दिया आगे का, वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ पहले से, लेकिन सर बता दिया है। अब हम यहाँ से ढूंढते हैं शेयरिंग ऑटो पहले। राष्ट्रपति को पता चल गया भाई, वो भी आ गए हैं अपने मेरे पीछे पीछे। इनको भी आज ही आना है। 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, वो तो दर्शन करके निकल गए। वो तो सही टाइमिंग है, गए हैं, आए नहीं। आए होते तो ब्लॉक रहता और रोड खुला हुआ है, तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर तक चल के जाना है। ओम नमः शिवाय। 20 रुपये शेयरिंग ऑटो में लेके हम लोग जसीडी से देवघर आ गए हैं और अभी बजने वाले हैं 10:30। तो पहले रूम ढूंढते हैं, बैग वैग रखते हैं, लाते हैं, फिर चलते दर्शन करने। ड्रोन शॉट, ड्रोन शॉट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं, आ जाएंगे लोग यहाँ लेने। तो देखो भाई, 300 रुपए में वेजिटेबल रूम मिल गया है यहाँ पे। छोटा सा रूम है, मंदिर के जस्ट बगल से है, 2 मिनट की दूरी भी नहीं है मंदिर की। तो अब पहले मैं नहा धो लेता हूँ, उसके बाद एकदम रेडी होके फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। मिल गया है बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ, लाइन लगी हुई है बिल्कुल बाहर से, अभी दिखाऊंगा वो भी तुम्हें। फिलहाल हम गेट को लगा के लॉक करके चलते हैं नहाने के लिए। गाइस हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। लाइन में लगता है बहुत लंबी लाइन लगने वाली है, मुझे लगता है आवाज आ रही है अब बहुत तेज, काफी सारी भीड़ भी है। बाकी का देखते हैं, कल के पता चलता है क्या करना है। भाई अभी बज चुके हैं 11:30 और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलते हैं दर्शन करते हैं, और आपको हो सकता है दर्शन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि फोन तो अलाउड है, तो अंदर ले आके देख। थोड़ी देर घूमते हैं, देखते हैं, उसके बाद पंडित जी भी मेरे से भूल गए थे, मुझे बुला लेना, तब बुलाऊंगा उन्हें, अभी नहीं बुला रहा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जल कितने का है? ये 50 का। 25 वाला कौन सा है? दर्शन की लाइन में लगते हैं, यहाँ जल चढ़ाना है, तो जल मैंने ले लिया है, जल ये चढ़ाएंगे, लाइन में लगते हैं, चलते हैं। तो यहाँ गली में से कहीं से लाइन लगती है बहुत लंबी, उसमें लगना है। ऊपर से लाइन जा रही है, वही ऊपर लाइन जा रही है, उसमें लगना है। जगह देखते हैं कहाँ से है एंट्री। मेट्रो स्टेशन बना रखा है पे, सिस्टम ही अलग है। यहाँ से लेंगे हम एंट्री। बाबा बैनाथ
अपनी माँ एक बच्चे के साथ खड़े हैं, आइए अपनी माँ के पास, वो फोन गेट के पास खड़े, एकदम गेट खोला जाता है। थोड़ी देर और 5 मिनट और लग रहे हैं, बस 1 घंटा हो गया लाइन में लगे लगे, मर आ चुका है अपना, वो 1 से ज्यादा ही हो गया, वैसे 11:30 पे आया था, अभी 1 बज रहा है, 1.5 घंटे हो गया, दर्शन करने का टाइम आ गया, दर्शन करते हैं। इंजन बना दिया यार, बढ़िया फूल पत्ती की माला पहना के अच्छा भी लग रहा हूँ भाई, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। और अब हम मैं तुम्हें पूरे मंदिर का विजन दिखा दे रहा हूँ, सिनेमेटो कर दे रहा हूँ उसकी, बढ़िया। चलो वो करते हैं, पहले शॉट लेते हैं अच्छे अच्छे। काफी सारे मंदिर हैं तो हम सबके दर्शन कर ले रहे हैं एक एक बार। ये था अपना मेन मंदिर, यहाँ जो था, उसके बाद चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। और ये जो मंदिर है इसके लिंक में देख रहे हो आप, ये सीधा इसके लिंक में जा रहा है यहाँ इस मंदिर पर, ये पार्वती मंदिर है, मतलब ये शिव पार्वती का जोड़ा यहाँ साथ में रहता है और ये लिंक हो रहा है, देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं, वो ये लिंक बना रहे हैं। लिंक यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंक नहीं बोलते थे वो, तो बोलना नहीं आ रहा क्या बोलते थे। पार्वती मैया बैठी हुई है जी सामने, बैठे हैं पार्वती मैया इधर बैठी है। तो यहाँ ये दो मंदिर ज्यादा मेन थे, उनके दर्शन हमने कर लिए हैं, पार्वती मैया का मंदिर और शिव जी का, बैनाथ जी का मंदिर तो है ही है अपना, उनके दर्शन कर लिए हैं। तो अभी बहुत तेज हो रही धूप भाई, मुझे भूख भी लग रही है, तो पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। वैसे कुछ नहीं खाया है मैंने सुबह से, मतलब कल रात से नहीं खाया है, रात में बस खाना खाया था, उसके बाद से अभी तो कुछ नहीं खाया, नहा धो के मैं सीधा यहीं आ गया, अभी मैं कुछ खा पी लूँ पहले, लग रही भूख, और थोड़ी सी शाम होने दो, अभी तो कल तक हम यहीं हैं तो फिर से आ जाएंगे, और एक बार हो सका तो दर्शन कर लेंगे, नहीं तो अभी दर्शन तो बहुत प्यारे हुए थे, वीडियो में दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे आपके। सो अब हम चल रहे हैं रूम पे, पहले थोड़ी देर लेटेंगे, खाएंगे पियेंगे, एडिटिंग करेंगे, शाम को आते हैं 4 बजे के आसपास, तो सी यू सून गाइस, बाय बाय। तो भाई अपना मेन मोटिव है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, हम वो कर रहे हैं तो हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे किसी भी सिटी को, मतलब किसी भी जगह को, तो जितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा उतना कर दूंगा, बाकी का देख लेंगे। आगे से राइट, हाँ इधर क्या था, पकौड़ा सब है, मुरी पकौड़ा सब है। ठीक है अभी थोड़ी देर लेट लूँ फिर जाता हूँ, धन्यवाद। बज चुके हैं 6:30 और मैं आया हूँ एक बार और राउंड लगाने, बाहर देखते रात में कैसा लगता है अपना बहना दाम, चलते हैं एक बार देख के आते हैं। अब यहाँ भीड़ काफी कम है तो अब हम दर्शन कर सकते हैं, देखते हैं सारे मंदिरों के दर्शन कर ले रहे, शायद मेन मंदिर बंद है अभी मुझे लगता है, इसलिए भीड़ कम हो गई है। होने वाली है श्री नारायण आरती,
आरती देख के जाएंगे 7:30 को होगी तक। हम यहाँ नंदी जी रह गए थे यार, इनके दर्शन नहीं कर पाए थे हमने। मैं तुम्हें उनका शॉर्ट क्लिप बना के दिखा दे रहा हूँ, मतलब एक बार में जल्दी 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 कौन से सबके दर्शन हो जाएंगे। काफी सारे मंदिर है, सब में दर्शन कर ले रहे अंदर जाके, और तुम एक शॉर्ट क्लिप देख लेना, बस उनके दिखा देता हूँ कि ये है और ये नहीं दिखा रहा कौन से में कौन से है। जो मेन थे वो तो तुम्हें दिखा दिए हैं, ये और देख लो। तो शुरू करते हैं कि करके, है ना, मतलब थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं देखने में, थोड़े से ओल्ड टाइप ना, मतलब दिख रहा है कि हाँ इतने पुराने ये हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी मुद्राएं बनी हुई हैं, तो वो सब देख ले रहे हैं। चलो तो मैं इस मंदिर की हिस्ट्री भी बता ही देता हूँ। तो एक समय की बात है, रावण के समय की, रावण गया था भाई तपस्या करने कैलाश पर्वत पे। तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, भोलेनाथ रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बस मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो भाई रावण ने एक ही चीज मांगी, भोलेनाथ आप हमारे साथ हमारे लंका में चलिए। तो भोलेनाथ बहुत सीधे तो है ही है, वैसे मना भी नहीं कर सकते, तो भाई वो तो चल दिए। तो सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, वो कहने लगे कि भाई कैलाश छोड़ के भोलेनाथ वहाँ जा रहे हैं तो कैसे चलेगा। यहाँ से आगे मैं बताता हूँ। तो विष्णु भगवान धरती पर आए और उन्होंने अपना रूप बदल के एक गांव के बालक में बदल लिया। तो जब रावण यहाँ से निकल के जा रहा था, वो हाथ में शिवलिंग लेके जा रहा था, तो उसे उसी वक्त लघुशंका आ गया। तो वो शिवलिंग को गाँव के बालक के हाथ में पकड़ा कर चले गए। गाँव के बालक को वो शिवलिंग इतना भारी लगा, उसने वहीं जमीन पर रख दिया, वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौट के आया, उसने अपनी पूरी ताकत से पूरा जोश लगा के उस शिवलिंग को वहां से उठाने की कोशिश की, वो शिवलिंग वहां से नहीं हिला और वो शिवलिंग आज वैनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कुछ इसकी स्टोरी। तो यहां से आगे आप कंटिन्यू करें। तो भाई ये थे हमारे बैनाथ धाम के दर्शन, आरती भी आपने देख ली है। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे मेरे, बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे और अच्छा फील हुआ। तो आप लोगों के भी 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ से भरने वाले हैं आगे। मैं यहाँ से निकलूंगा धनबाद के लिए, धनबाद से मेरी उज्जैन के लिए ट्रेन है, वहाँ जाएंगे अब हम। तो आज हम सोते हैं और कल सुबह निकलते हैं यहाँ से। तो अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। तो ओम नमः शिवाय।